सेक्सुअल हरेसमेंट के का मामला था और हम वो नहीं करेंगे, बोला आप लोग चलाओ सड़क पे, सो बिजली काट दी गई है, पानी अंदर नहीं आने दे रहे हैं। पहलवानों के धरने के छठे दिन पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज करेगी। वहीं जंतर मंतर पर पत्रकार श्वेता सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा। पहलवान पिछले 5 दिनों से लगातार देश के लोगों से उनके प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रहे थे। इसके बाद देश भर से लोग लगातार पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर इकट्ठा होने लगे हैं। प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोग जहां एक तरफ केंद्र सरकार पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं मीडिया से भी उनकी नाराजगी कुछ कम नहीं है। 28 अप्रैल को जब आज तक की एंकर श्वेता सिंह जंतर मंतर पर पहुंची, तभी कुछ प्रदर्शनकारी उनके पीछे नारेबाजी करने लगे। ये लोग गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। आम जनता के अलावा पहलवानों के प्रदर्शन में नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी आना जाना लगा हुआ है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह ब्रजभूषण सिंह पर FIR दर्ज करेगी। पहलवानों ने दिल्ली पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने से इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोर्ट ने बताया कि पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए सहमत है, जिसके बाद से यह कयास लगा जा रहा है कि शायद अब पहलवान धरना खत्म कर दे। शाम को करीब 4 बजे पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में साक्षी मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और कहा, दिल्ली पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने के लिए सहमत होना हमारे लिए पहली जीत है, लेकिन हमारा धरना जारी रहेगा। वहीं विनेश फोगाट ने कहा, दिल्ली पुलिस ने अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भले ही FIR दर्ज करने का कहा हो, लेकिन हमें उनकी जाँच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले पुलिस ने FIR दर्ज करने से मना कर दिया था। हम पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। हम मांग करते हैं कि सिंह को भी सभी पदों से हटाया जाए, क्योंकि पद पर रहते हुए वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। जब तक उन्हें हटाया और गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। देर शाम पुलिस द्वारा ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। उधर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद सिंह ने कहा, मैं दिल्ली पुलिस के FIR दर्ज करने के फैसले का स्वागत करता हूँ। मुझे अपने आप पर और अपने कर्म पर भरोसा है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं जाँच में पूरी तरह सहयोग करूँगा।